टीएमसी ने मां माटी और मानुष का नारा लगाकर यहां की माताओं बहनों का वोट लिया, उनको गुमराह किया। लेकिन आज मां माटी और मानुष सभी टीएमसी के कुशासन में रो रहे हैं। संदेश खाली की बहनें इंसाफ की गुहार लगाती रही, लेकिन टीएमसी सरकार ने उनकी एक नहीं सुनी। बंगाल में स्थिति ये है कि यहां पुलिस नहीं बल्कि अपराधी तय करते हैं कि उन्हें कब सरेंडर करना है, कब गिरफ्तार होना है। राज्य सरकार तो चाहती ही नहीं थी कि संदेश खाली का गुनहगार कभी गिरफ्तार हो, लेकिन ये तो बंगाल की नारी शक्ति दुर्गा बनकर खड़ी हो गई। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हो गया, तब मजबूरन इस राज्य सरकार को झुकना पड़ा। साथियों, महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण, इसके लिए जो भी योजना भारत सरकार लाती है उसको भी टीएमसी सरकार यहां ठीक से लागू नहीं होने देती। पूरे देश में भारत माता की, भारत माता की। नौजवानों, आपका जोश मेरे सर आंखों पर, आपका प्यार मेरे सर आंखों पर। लेकिन दोस्तों, मैं आपके दर्शन करके यहां आया हूं, अब आप आगे आने की कोशिश मत कीजिए। आपका प्यार मुझे मंजूर है, मैं इस प्यार को कभी भूलूंगा नहीं। लेकिन दोस्तों, आप जहां हैं वहीं खड़े रहिए। ऐसा प्यार हर किसी को नसीब नहीं होता है जो मुझे हो रहा है। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है, खास करके नौजवान साथियों को, कृपा करके जगह नहीं है, आगे आने की कोशिश मत करो। दोस्तों बोलिए, भारत माता की। मेरी बात मानोगे ना? पक्का मानोगे? इतने अच्छे लोग हैं बंगाल के, मैं उनको शत शत प्रणाम करता हूं। दोस्तों, पूरे देश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहां लागू नहीं होने दिया। महिला सुरक्षा को सशक्त करने के लिए पूरे देश में महिला हेल्पलाइन स्थापित की गई है, लेकिन टीएमसी सरकार इसे लेकर भी गंभीर नहीं है।